फिल्म इंडस्ट्री को हेरा फेरी और ओ माई गॉड जैसी यादगार फिल्म देने वाले परेश रावल अपने फिल्मी करियर में 200 से ज़्यादा फिल्म कर चुके हैं। परेश रावल ने फिल्मों में कॉमिक रोल से लेकर विलेन तक का किरदार निभाया है। परेश रावल ने मिस इंडिया रह चुकी स्वरूप सपन से शादी की थी, अब उनके दो बेटे भी हैं। आपने फिल्मों के जरिए परेश रावल को जान लिया होगा, लेकिन आज हम आपको उनकी पत्नी स्वरूप के बारे में बताएंगे। स्वरूप ने 1989 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। स्वरूप भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं। स्वरूप ने कॉमेडी टीवी शो ये जो है जिंदगी में काम किया था, जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। स्वरूप ने 1984 में फिल्म करिश्मा में काम किया था, इसमें वो कमल हसन और रीना रॉय के साथ नजर आई थी। स्वरूप ने फिल्म में बिकनी सीन्स भी दिए थे। इसके अलावा स्वरूप ने नरम गरम, हिम्मत वाला साथिया, सप्तपदी और की एंड का जैसी फिल्मों में काम किया है। स्वरूप ने कुमकुम बनाने वाली कंपनी श्रृंगार के लिए मॉडलिंग भी की है। स्वरूप अब दिव्यांग बच्चों को एक्टिंग सिखाती है। जब पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने स्वरूप को बच्चों के लिए होने वाले एजुकेशन प्रोग्राम का हेड सेलेक्ट किया था। फिल्मों के अलावा स्वरूप कई टीवी शो में नज़र भी आती रही हैं। अपने एक इंटरव्यू में स्वरूप ने बताया कि जब वो मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट जीती तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मैं काफ़ी सालों तक गांव में एक झोपड़ी में रहती थी। इतना ही नहीं, जब स्वरूप फिल्मों में काम करती तो शीशा तक नहीं देखती थी। वो कभी ये डिस्कस नहीं करती थी कि वो फिल्म में क्या पहनने वाली और कैसा लुक होगा। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बारे में स्वरूप ने कहा कि 80 के दशक के बाद अच्छी मूवी बनना बंद हो गई थी। मैं सुजाता और अनुराधा जैसी फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन वैसी फिल्में फिर नहीं बनी। फिल्म हिम्मत वाला के बाद उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला लिया। टीचिंग और समाज सेवा के अलावा स्वरूप कई किताबें भी लिख चुकी हैं। स्वरूप पति परेश रावल और दो बेटों अनुरोध और आदित्य के साथ मुंबई में रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी परेश रावल की पत्नी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे।